हाथों में पदक और चेहरे पर मुस्कान लिए ये लड़की कोई और नहीं बल्कि देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। देश की इस बेटी ने यह साबित कर दिया है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जी हाँ, जिसने देश का नाम रोशन किया है वो कोई और नहीं बल्कि एक चाय बेचने वाले की बेटी है जिसका नाम आंचल है। और एक तरफ देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो चाय बेचा करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ आंचल हैं जिनके पिता चाय बेचते थे। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है और देश में एक मिसाल कायम कर दी है कि हर कोई इनको सलामी दे रहा है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गरीब का बच्चा गरीब बनता है, लेकिन आंचल ने साबित कर दिया है कि गरीबी से नहीं बल्कि हौसले बुलंद होने चाहिए और कहीं ना कहीं मोदी के सपने को पूरा कर दिया है। क्योंकि पीएम मोदी हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजना बनाते रहते हैं। वहीं अगर ये खबर पीएम मोदी के पास पहुंचेगी तो पीएम मोदी का सीना भी फख्र से चौड़ा हो जाएगा। विजुअल ब्यूटी, आपको बता दें आंचल का चयन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में हुआ है। सिर्फ 22 पदों के लिए होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट में देश भर से करीब 6 लाख युवा शामिल हैं और चुने हुए 12 परीक्षार्थियों में 5 लड़कियां हैं और इनमें भी नीमच की आंचल मध्य प्रदेश से चयनित होने वाली एकमात्र पहली उम्मीदवार है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।